कल किसी और की करेंगे, इसलिए कौन सी आम के लिए फायदा है? मेरा नाम अब्दुल मजीद है सर। मजीद जी बताएं क्या वाकया सा हुआ सर। हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं सर 2-3 साल से, तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम इस बिल्डिंग ने मालिक में इसलिए रखा कि हम खाली लुक आप करते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं सर। तो हम 2 दिन से हमारे घर में शादी थी, तो हम उधर ही चले गए थे। तो रात को इधर एक बेटी रहती थी, वो भी इधर ही रहती, टेलरिंग का काम करती थी। वो अकेली नहीं रही, वो कज़िन के घर में रात में रुके। सुबह मॉर्निंग में जब वो आए सर, इधर पानी भरने के लिए कहा मैं पानी भरूंगी, तो देखा उसने मेन गेट खुला हुआ था। तो उसने सोचा शायद हम दूसरा जो यहाँ बंदा रह रहा है या दूसरी जो रह रहे हैं वो आ गए हैं। तो वो कहने लगी, मैं बहुत खुश हो गई, मैं अंदर आई, अंदर देखा मैंने जितने भी दरवाजे थे सब खुले हुए थे। तो मैंने सोचा शायद सारे आ गए, और करीब जब दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा खुद अपना रूम भी खुला हुआ था, वो बाकी जितने भी रूम थे सबके दरवाजे ताले तोड़ के दरवाज़ा पूरा खुला और जितना भी सामान था जब बिखरा हुआ था। तो उसने फ़ोन किया हमें कि आप जल्दी आओ यहाँ पे, कि यहाँ आपका ताला तोड़ा दिया है और आपका सामान जो है सारा बिखरा पड़ा हुआ है। हम सावजिया से यहाँ आए जी, सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचे, तो हमने देखा तो यहाँ पूरा सब कुछ हमारा सामान जो था वो पूरे सब कमरों में बिखरा पड़ा हुआ था। और मेरी आप मीडिया की वसालत से एडमिशन से गुजारिश है कि इन चोर पे कसंजा कसा जाए, ताकि ऐसा हादसा और पुंछ में ना होए। यहाँ सीसी कैमरे लगे हैं, यहाँ बहुत इजी तरह से ये चोर को पकड़ा जाए। यहाँ दोनों साइड से सीसी कैमरे लगे हैं सर, लोकेशन उसके हमने सीसी कैमरे जो हमारी पोटेशन है उसको डिलीट नहीं करने दिया, हाँ अभी सेव रखी है। तो मेरी गुजारिश है यहाँ पूरी एडमिशन से, खास तौर SP साहब से और DC साहब से, तो मेहरबानी करके हमारे साथ कॉपरेट किया जाए, इस चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।